इस स्कूल की शुरुआत हुई थी आदरणीय विवेक तनखा जी ने अपने पिताजी के नाम पर इस स्कूल का जो है शुरुआत की थी। और हम ये जो चार टीचर इस स्कूल में आज भी दिख रही हैं, शुरुआत के दिन से ही ये हमारे सभी बच्चों के साथ इस स्कूल में जो है बच्चों को प्रशिक्षण दे रही हैं। और यदि मैं पिछले 12 साल की बात करूं तो शासकीय तौर पर यदि कभी कभी हमारे इस स्कूल में स्वास्थ्य परीक्षण जो शिविर है वो लगाया गया है, पर प्राइवेट किसी डॉक्टर ने इस स्वास्थ्य परीक्षण के लिए यदि पहली बार हैं तो डॉक्टर रोटेरियन भी हैं हमारी रुबीना भिंगार दिवे और डॉक्टर सालोमन भिंगार दिवे, इन्होंने पहली बार अपनी बेटी स्तुति के बर्थडे के उपलक्ष्य में आज इन बच्चों को स्वास्थ्य परीक्षण लगाया, इन्हें दवाइयाँ भी वितरित की हैं और संतुष्ट भी हैं डॉक्टर कि हमारे बच्चे जो हैं हेल्दी हैं, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और एक यहाँ पर जो माहौल क्रिएट होता है इन बच्चों का आपस में, बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चे रह रहे हैं यहाँ, टीचर्स भी बहुत अच्छे से इनके साथ एक पारिवारिक रूप से रह रही हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा इस स्कूल के, चूँकि मैं संचालन पिछले 12-13 साल से कर रहा हूँ तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आज दोनों डॉक्टर्स हमारे बीच में आए हैं और हमारे रोटेरियंस भी आज सभी हमारे बीच में उपस्थित हैं यहाँ पर, और बच्चे भी बहुत खुश हुए आज उनका स्वास्थ्य परीक्षण हुआ था। और जो भी कमियां हैं जो डॉक्टर्स ने बताई हैं वो हम जल्द से जल्द उनकी पूरी कर देंगे। रोटरी प्रेसिडेंट गीता कालपीवार, ये जस्टी तनखा मेमोरियल स्कूल में समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है और भी तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। इसी उपलक्ष्य में हमने डॉक्टर रुबीना डॉक्टर सोलोमन से बात की, चर्चा की इस विषय में, उन्होंने अपना हमें अमूल्य समय योगदान दिया यहाँ पर देके, बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया उनकी, जैसे उनको डिवर्मिंग की टेबलेट दी गई हैं, उनके लिए अपना आई ड्रॉप दिए गए हैं, जैसे आई फ्लू काफ़ी फेल हुआ है उस हिसाब से, और बच्चों का सब अच्छे से परीक्षण किया गया है, तो उसी हिसाब से हम लोग समय समय आगे भी इस टाइप के प्रोग्राम करते रहेंगे। मैं डॉक्टर रुबीना भिंगार दिवे रोटरी की एक सदस्य हूँ और आज जस्टिस तनखा मेमोरियल स्कूल में विशेष एबिलिटी वाले बच्चों के हम स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आए थे और हमें बहुत खुशी लगी कि आज हम अपना समय दे पाए और बहुत देर से दे पाए। और मैं धन्यवाद करती हूँ स्टाफ का और रोटरी के अन्य सदस्यों का जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और सहयोग प्रदान किया। आज हमने 25 बच्चों का परीक्षण किया और फिज़िकली वो हमें काफ़ी एक्टिव लगे और बहुत अच्छा सहयोग किया बच्चों ने, और जो बेसिक चीज़ें हमने उनका आइस चेकअप किया, दांतों की स्थिति देखी और फिज़िकल कंडीशन देखी, एक सेहतमंद बच्चा जैसे होना चाहिए, उनका वज़न भी अच्छा था, उनका न्यूट्रिशन अच्छा था और बेसिक साफ़ सफाई के बारे में हमने उनकी बहुत अच्छी रुचि देखी और वो सब अच्छे पाए गए। और हमने आज उनको डीवर्मिंग के लिए अल्बेंडाजॉल की टैबलेट दी है और जिन बच्चों की आँख में समस्या थी उनके लिए आई ड्रॉप वितरित किया, इसमें हमें रोटरी का बड़ा सहयोग रहा और हम चाहते हैं कि आगे भी हमें ऐसा सहयोग मिले और हम इसके लिए कार्य करते रहेंगे। माहौल तो हमें बहुत अच्छा लगा, एक परिवार के जैसा माहौल है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और बहुत मेहनत करते हैं, सारे बच्चे एकदम लविंग थे, बहुत जल्दी फ्रेंडली हो गए, कोई भी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि एक डॉक्टर को देख के डर गया हो, तो ये सब दिखता है कि बच्चे बहुत अच्छे परवरिश में और बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। आज हमने 25 बच्चों को देखा है और आज कुछ बच्चे नहीं आ पाए थे, तो आने वाले समय में हम फिर से विज़िट करके और उनका परीक्षण करेंगे।